हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज के नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, जो कि पार्ट वन है इस लेसन का और एमसीक्यू सीरीज ये चल रही है। अब प्रमुख व्यक्तित्व जैसे उत्तराखंड के जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उत्तराखंड में जो प्रमुख महिलाएँ थीं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है इसमें, मुकुंदी लाल। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 14 अक्टूबर सन 1885 को। ओके, और ये है आपका पाटली गांव में, जो कि चमोली ज़िले में स्थित है। सन 1913 से 1919 के बीच इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के दौरान इनका तिलक जी से परिचय हुआ और राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से लौटने पर सन 1919 में इन्हें गिरफ्तार करके नैनी इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया था। और इनके बारे में बाकी और तो मैंने पढ़ा ही रखा है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर है, कालू सिंह मेहरा को। ओके, तो कालू सिंह मेहरा जो कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या कुमाऊं के कह सकते हैं। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था, सन 1831 में। और कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका जो वर्तमान जिले के चंपावत ज़िले में जो लोहा घाट के पास स्थित बिसुड़ गांव में हुआ था। सन 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन यानी क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे। और इनकी मृत्यु सन 1906 में हुई थी, 1906। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। गढ़ केसरी नाम से विख्यात अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म 18 फरवरी सन 1894 को पुण्यतीर्थ इनका जो अनुसुईया देवी में हुआ था। वह एक सफल वकील थे और कुली बेगार तथा स्वतंत्रता आंदोलन में वे काफ़ी सक्रिय रहे। सन 1921 में उन्हें गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया था। सन 1931 में वे जिला बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए। 23 मार्च 1943 को उनका देहांत हो गया था। उनका जो देहांत हो गया था वो हो गया था आपका 23 मार्च 1943। ओके, आप नोट कर सकते हैं। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं यानी एक ये भक्तिवादी कवि के रूप में या प्रगतिवादी कवि के रूप में और वीर रस के रूप में और छायावादी कवि के रूप में? तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, छायावादी कवि के रूप में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी विख्यात हैं। इनका जन्म 20 मई सन 1900 को वर्तमान बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था और इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। कौसानी के लोग इन्हें गुसें या सें के नाम से पुकारते थे। इन्हीं के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था और इनके जीवन का अधिकांश समय काला कांकर में बीता। वहां के कुंवर सुरेश सिंह के आग्रह पर उन्हें वर्ष 1938 में रूपाभ नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ऑप्शन ए दे रखा है बछेंद्री पाल पर्वतारोहण, ऑप्शन बी विंदेश्वरी पाठक समाज सेवक, ऑप्शन सी है गिरिराज किशोर साहित्यकार, ऑप्शन डी है सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। इनका जो संबंध है वो किससे है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने इनके बारे में आपको पहले बता रखा है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं यानी वृक्ष मानव
के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, अनन्य प्रकृति प्रेमी, वृक्ष मित्र, पर्यावरण संरक्षक, पुजार गांव टिहरी के श्री सकलानी, स्वाधीनता संग्राम सेनानी, टिहरी जन क्रांति के अमर शहीद नागेंद्र सकलानी के अनुज थे, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। पर्यावरण के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1986 में इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? वृक्ष मानव को, यानी विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ये उन्हें उत्तराखंड का वृक्ष मानव भी कहा जाता है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, यानी उत्तराखंड का जो गांधी कहे जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, इंद्रमणि बडोली जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी नाम से सम्मानित हस्ताक्षर श्री बडोनी जी का जन्म सन 1924 में टिहरी के आवोड़ी गांव में हुआ था। और इन्होंने सर्वप्रथम लोक कलाकार के रूप में कर्म क्षेत्र में पदार्पण किया। राजनीति में तो वो बाद में उतरे। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले वे पहले राजनेता थे। इस मांग को जन समर्थन देने के लिए सन 1969 में उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया, जिसको कि हम यूकेडी कहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल। ओके, यूकेडी। और उत्तराखंड के गठन से पूर्व ही इनका देहांत हो गया था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस नेता की मृत्यु सन 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, देव सुमन के, श्री देव सुमन की मृत्यु सन 1942 में हुई थी, वो भी भूख हड़ताल के दौरान। अब एमसीक्यूज इनके नाम से ये बन सकता है कि सन 1942 में किस नेता की मृत्यु हुई है भूख हड़ताल के कारण, या देव सुमन की मृत्यु कब हुई सन 1942 में, या भूख हड़ताल के दौरान किस नेता की मृत्यु हुई। तो आपका आंसर आ सकता है देव सुमन। और इनके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चारण नाम से जाने जाते हैं, यानी चारण जो अपने चारण नाम लगाते हैं पीछे से, तो उनका वो उस नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, यहाँ पे लिखा भी है चारण, शिव प्रसाद डबराल चारण। ओके, इनका जन्म 12 नवंबर सन 1912 को पौड़ी के गहली गांव में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म स्थली थी वो थी दुगड्डा। सन 1962 में आगरा विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में पीएचडी की उपाधि मिली, जिसका विषय था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रव्रजन और ऋतुकालीन प्रवास। ओके, और इन्होंने प्रेस भी खोली थी और वीर गाथा प्रकाशन के नाम से पुस्तकें प्रकाशित की। घुमक्कड़ी के शौक के चलते उनके नाम के अंत में चारण शब्द जोड़ दिया गया था। उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। उनका जो परिवार उत्तरांचल का ऐसा अनोखा परिवार है जिसके 6 सदस्य साहित्यिक या डॉक्टर हैं। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर है, बद्रीदत्त पांडे को कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे थे ऑप्शन ए कुली बेगार आंदोलन के नायक, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, ऑप्शन सी हिंदू महासभा के सदस्य, और ऑप्शन डी दिया गया है इसमें नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कोट दिए गए हैं तो इनको चयन कीजिए और इसमें जो सही आंसर है उसको आप बताइए। तो इसमें जो कोट आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2, यानी कुली बेगार आंदोलन के नायक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे बद्रीदत्त पांडे जी, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है आपका, बोरी वाली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन हैं? तो बोरी वाली से बोरी बंदर तक के लेखक हैं आपके शैलेंद्र मटियानी जी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर है। इनके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, और BND उत्तराखंड नाम से मेरा जो सेकंड चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम उसमें फ्यूचर में उत्तराखंड से रिलेटेड ही वहाँ पे टॉपिक्स अपलोड करेंगे। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7409287156। यू कैन कॉल अस। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं, उनकी प्रथम रचना है। तो उनकी जो प्रथम रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूम ऑन द रूफ। ये सॉरी यहाँ पे गलत राइट हो गया, बाकी है रूम ऑन द रूफ, ये इनकी जो पहली रचना है वो यही है। तो रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी में लिखने वाले देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं। इनकी पहली पुस्तक थी रूम ऑन द रूफ, इन्होंने ये कब लिखी, सन 1955 में लिखी थी। और अभी तक इनकी जो कुल पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं वो हैं 154, 144। सन 1999 में इन्हें पद्मश्री, 2012 में साहित्य अकादमी व 2014 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुके हैं। ये उपन्यास, कहानी संग्रह एवं संस्मरण आदि लिख चुके हैं। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं। सन 1968 में उन्हें चिदंबरा के लिए साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बाकी तो मैंने उनके बारे में पहले ही बता दिया है, तो आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं, यानी कौन है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर है, गोविंद वल्लभ पंत जी भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। इनका जन्म ग्राम खूंट जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि से विभूषित किया। 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 7 मार्च 1961 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर है, विश्वनी देवी शाह। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला विश्वनी देवी शाह थी, और इन्होंने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया जिसके कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, जिया रानी को, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। बाकी इनके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध कला से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, देवीदत्त पंत का बाकी अनूप शाह, भैरवदास जोशी और मालाराम जी का संबंध है कला से। और इन देवीदत्त पंत जी का संबंध किस कार्य से था, आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमें। अगला क्वेश्चन है, रणवीर सिंह विष्ट का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, चित्रकला से। जो रणवीर सिंह विष्ट थे उनका संबंध था चित्रकला से, और इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट MCQ है इस पार्ट का, भारत के नहीं बल्कि विश्व की प्रथम और या पहली मेजर जनरल कौन है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर है, कुमारी माया टमटा का। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, अल्मोड़ा जिला की रहने वाली कुमारी माया टमटा भारत ही नहीं बल्कि विश्व की पहली महिला मेजर जनरल बनी थी। इनके पिता भी सेना में ब्रिगेडियर थे, अतः इसकी इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो हुई थी पुणे में। और कुमारी माया टमटा जी MMC की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से रिटायर्ड हो गई थी।
तो दोस्तों आज का ये MCQ पार्ट वन आपका कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा।